दोस्तों, पोइट्री के मेजर फॉर्म्स को पढ़ते हुए आज इसी क्रम में हम अगले पोइटिक टर्म या लिटरेरी टर्म की बात करेंगे, जिसका नाम है एलिजी। तो एलिजी क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने इसके टाइप्स हैं और कौन कौन से मेजर एग्जांपल्स हैं एलिजी के, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। एलिजी एक लिरिक पोयम है विच इज़ मेडिटेटिव इन नेचर। एलिजी क्या है, एक लिरिक पोयम है, यानी ये अपनी टोन में, अपने पैटर्न में लिरिकल होती है, म्यूजिकल होती है। और ये नेचर में कैसी होती है, मेडिटेटिव होती है, यानी जिसमें जो स्पीकर होता है या जो पोएट होता है वो किसी गहरी तथ्य पर विचार करता है, कंटम्प्लेट करता है और किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचता है, इसीलिए ये मेडिटेटिव है। मेडिटेटिव का मतलब किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं पर सोचना और किसी कंक्लूजन पर निकलना। तो एलिजी एक ऐसी लिरिकल पोएम होती है जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस होता है और नेचर में वो मेडिटेटिव होती है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ पोएम इन विच द स्पीकर इज़ फाउंड टू बी लेमेंटिंग ऑन अ डेथ ऑफ अ पब्लिक फिगर और अ लव्ड वन, लाइक हिज फ्रेंड और हिज फादर और पेरेंट्स और बिलव्ड समवन। इसमें जो एलिजी होती है उसकी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बड़ा ही फॉर्मल और सेरेमोनियल होता है। जैसे कि किसी मॉर्निंग सेरेमनी में, अगर किसी की फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है तो उसमें जिस प्रकार से जो एक फॉर्मल वे में एक ग्रुप के द्वारा जो फ्यूनरल सॉन्ग गाया जाता है, कुछ उसी तरह से वो एलिजी पोएम का की रचना होती है, जो कि लिरिकल भी होती है और फॉर्मल भी होती है अपने स्ट्रक्चर में। अब अगर एलिजी की डेफिनेशन की बात करें तो एलिजी इज़ अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डेथ और लॉस। ट्रेडिशनली इट कंटेन्स द थीम्स ऑफ मोर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। हाउएवर इट कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ रिडेम्पशन, कॉन्सोलेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ और नेचर, लॉ ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है, एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें डेथ पर या किसी के लॉस पर, किसी बहुत ही पर्सनल लॉस पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ रिफ्लेक्ट शब्द का वर्ड का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि एलिजी एक मेडिटेटिव पोएम है, यानी इसमें जो पोएट है या जो स्पीकर है वो किसी गहरे लॉस के बारे में चिंतन मनन करता है, उस पर कॉन्टम्प्लेट करता है, मेडिटेट करता है। इसीलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट शब्द का यूज़ है, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आत्मचिंतन करता है व्यक्ति किसी डेथ पर या किसी के बिछड़ जाने पर। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से इट कंटेन्स द थीम ऑफ मोर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, पारंपरिक रूप से हम बात करें कि एलिजी में किस किस तरह की थीम का यूज़ किया जाता है, तो यूजुअली इसमें मोर्निंग का, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर जो है आलाप विलाप करने का, और लॉस का, किसी एक ऐसे पर्सनल लॉस के ग्रीफ का, और रिफ्लेक्शन का यानी चिंतन मनन का, आत्मचिंतन का, कि ऐसी थीम्स का यूज़ किया जाता है। हाउएवर, फिर भी इट कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ रिडेम्पशन, कॉन्सोलेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। पर इसके अलावा भी एलिजी के सिर्फ यही परिभाषा नहीं है कि अगर किसी अपने की डेथ हो जाती है, किसी क्लोज वन की डेथ हो जाती है, तो उसके लॉस पर ग्रीफ प्रकट करना ही एलिजी है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रकार की थीम्स एलिजी के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कॉन्सोलेशन और जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है कि एक एलिजी में कभी कभी ऐसी भी थीम्स पाई जाती हैं कि मृत्यु को एज अ जनरल आइडिया उस पर कॉन्टम्प्लेट किया जाता है कि मृत्यु क्या है, क्यों मृत्यु हो जाती है, और एक स्पीकर या जो पोएट है वो उस पर विचार करता है और अंत में मृत्यु को एक इनएविटेबल ट्रुथ, यानी कि ना बदला जा सकने वाला ट्रूथ मान करके, उसको लॉ ऑफ नेचर मान करके जस्टिफाई भी करता है, यानी फिर उससे ही मेक्स अस पीस विद इट, कि
वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो एलिजी माना जाता है कि एक सीरियस पोएम होती है, दुख प्रकट करने की पोएम होती है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसी थीम्स भी मिलती है कि दुख तो है पर उसको एक्सेप्ट करने की भी क्षमता लास्ट में दिखाई जाती है कि हाँ दुख को जस्टिफाई भी किया जाता है कि अगर डेथ है दुख है तो ये लॉ ऑफ नेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीफ करने की कोई बात नहीं क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, जैसे जीवन है वैसे ही मृत्यु भी है। तो हमने अभी तक एलिजी का एक ओवरव्यू समझा कि ये क्या है और इसकी डेफिनेशन को भी जाना। अब हम आगे बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। हालांकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले हम इसके ओरिजिन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि एलिजी कहाँ से, किस देश से आई है, कहाँ के लिटरेचर से आई है, ये शब्द कहाँ से आया है। तो एलिजी इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगोस विच मीन्स अ लेमेंटिंग सॉन्ग। एलिजी कहाँ का शब्द है, एलिजी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है एलिगोस, वहाँ से बना हुआ है और एलिगोस का मतलब होता है अ लेमेंटिंग सॉन्ग, एक ऐसा गीत जिसमें शोक व्यक्त किया गया है। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC द रोमन पोएट प्रोपर्शियस कंपोज्ड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंटाइटल्ड एलिजीज। क्या हुआ कि फर्स्ट सेंचुरी BC में एक रोमन पोएट थे, उनका नाम था प्रोपर्शियस, उन्होंने एक पोएम का कलेक्शन अपना जो है लिखा था, बनाया था और उसका नाम ही था उस कलेक्शन का एलिजीज, और वहाँ से ये वर्ड कैच किया गया है, वहाँ से फिर ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है। तो जो अर्लीस्ट नोन सोर्सेज हैं हमें एलिजी के प्राप्त होते, वो हमें प्रोपर्शियस के पोएटिक कलेक्शन एलिजीज से प्राप्त होते हैं। दीज आर नोन टू बी द अर्लीस्ट नोन और फाउंड सोर्सेज ऑफ द पोएटिक जॉनरा, यानी जो इस पोएटिक जॉनरा का अर्लीस्ट नोन सोर्सेज है वो यही प्रोपर्शियस का एलिजीज ही है। अब हम देख लेते हैं कि एलिजी का थ्रू ऑल दीज एजेस एवोल्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर में एलिजीज सबसे पहली बार प्रयोग की गई थी और फिर वहाँ से ये यूरोपियन इंग्लिश लिटरेचर तक इनका जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। तो ड्यूरिंग द क्लासिकल एरा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिजीज वॉज नॉट मैंडेटरी टू बी सीरियस और मोर्नफुल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर था उसमें जब एलिजीज लिखी जाती थी तो इसमें ये मैंडेटरी नहीं था कि जो उसका सब्जेक्ट मैटर होगा उसमें किसी के की डेथ हो जाने के बाद उसमें शोक व्यक्त करा ही जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं था, ये अनिवार्य नहीं था कि ये किसी के लॉस के होने के बाद उसमें ग्रीफ व्यक्त करने की ही पोएम होगी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था। हाँ ऐसी बहुत सारी उस टाइम पर भी पोएम्स थी जिसमें किसी की डेथ होने पर शोक व्यक्त किया गया हो और एलिजीज वो थी, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी एलिजीज थी जिसमें किसी की डेथ होने के बाद उस पर शोक व्यक्त नहीं किया गया, किसी और भी टॉपिक पर, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट मैटर पर वो बनी हुई थी लेकिन फिर भी वो एलिजीज कहलाती थी। और वो क्यों कहलाती थी उसके बारे में ये बताया गया है कि ऑल द पोएटिक क्रिएशंस ऑफ दिस एज दैट फॉलोड द एलिजाइक मीटर ऑफ राइटिंग वर पुट अंडर दिस जॉनरा। इसका क्या मतलब है कि इस काल में, यानी जो क्लासिकल एज थी ग्रीक लिटरेचर की, उसमें ऐसा था कि जो भी पोएम्स एलिजाइक मीटर को फॉलो करती थी उन सब को एलिजी माना जाता था। ये मतलब नहीं था कि कौन सी सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के चल रही है, मोनफुल और लेमेंटिंग नेचर को लेकर चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है, जो भी पोएम्स एलिजाइक मीटर को फॉलो करती थी वे सभी एलिजीज मानी जाती थी। और ये एलिजाइक मीटर होता क्या था, इसमें जो स्टैंजास थी उनकी एक लाइन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में थी तो दूसरी लाइन पेंटामीटर में, फिर अगली लाइन हेक्सामीटर में तो फिर दूसरी लाइन पेंटामीटर में, इस क्रम को फॉलो करने वाला जो मीटर था वही एलिजाइक मीटर कहलाता था। और इस मीटर को फॉलो करने वाली जो भी पोएम्स थी वो सब क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर में एलिजीज कहलाती थी। जबकि मॉडर्न लिटरेचर की बात करें हम, तो क्लासिकल लिटरेचर से ये जो मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर तक का सफ़र है इसमें एलिजीज के सब्जेक्ट मैटर में क्या बदलाव हुए हैं, वो ये हैं कि अब जो एलिजीज लिखी जाती हैं या मॉडर्न लिटरेचर की जितनी भी हम एलिजीज देखेंगे उसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस ही है, किसी की डेथ पर लैमेंट किया गया है, मोर्न किया गया है, या फिर डेथ
के जो डेथ का जो आइडिया है उस पर कंटेम्प्लेट किया गया है, और लास्ट में उसे एज अ लॉ ऑफ नेचर जान करके उसको जस्टिफाई किया गया है। तो ये दोनों में चेंजेस हैं। इसमें मीटर से हमें इतना मतलब नहीं है कि एलिजी एक मीटर फॉलो कर रही है तो ही एलिजी होगी, मॉडर्न लिटरेचर में ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इसके मेन फीचर्स की, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो एलिजी जो है बिगिन्स विद अ लैमेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन और लॉस ऑफ अ थिंग, द सॉरो इज फॉलोड by the poet's admiration for the person or thing lost. In the second part of the construction, generally the lost person's qualities and remarkable performances or activities are endorsed. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी अब हमें पारंपरिक रूप से एलिजीज देखने को मिलती हैं उनमें यूजुअली यही पैटर्न होता है कि किसी की डेथ या लॉस पर लैमेंट व्यक्त किया गया होता है, शोक व्यक्त किया गया होता है। और इसमें एलिजी को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट होता है उसमें जनरली क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसका जो डिजीज पर्सन है या जिसकी मृत्यु हुई है उसके बारे में बताया गया होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है, और उसके बारे में दुख व्यक्त किया गया होता है कि इस व्यक्ति के की मृत्यु से, उसके चले जाने से, उसके बिछड़ जाने से क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं मेरे सराउंडिंग, मुझे कैसा लग रहा है या क्या ऐसा है जो कि उसके ना होने से बुरा है, ऐसी बातें बताई गई होती हैं। जबकि उसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें उसी डिजीज पर्सन की क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया होता है कि क्यों वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट था, क्यों वो इतना अच्छा था, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उसकी ऐसी क्या क्या रिमार्केबल एक्टिविटीज़ थी जो अब मेमोरीज़ के रूप में मेरे साथ हैं और मुझे और भी ज़्यादा दुख देती हैं जब मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ये वो व्यक्ति मेरे साथ अब नहीं है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता ये है कि एन एलिजी इज़ अ काइंड ऑफ अ लिरिक विच सेंटर्स ऑन एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स, बिलीफ्स और ओपिनियंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एलिजी होती है हमें पता है कि वो लिरिकल होती है, यानी म्यूज़िकल होती है, और इसमें ये जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसके पर्सनल सेंटिमेंट्स पर ये आधारित होती है, केंद्रित होती है, उसका जो पर्सनल इमोशन है वो उसी के आधार पर एलिजी को लिखता है। सीधी सीधे इसका मतलब यही है। द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिजी इज़ फॉर्मल एंड सेरेमोनियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एलिजी का स्ट्रक्चर है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो बहुत फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती है। कि ऐसी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है एलिजी में कि किसी फॉर्मल सेरेमनी में उसको गाया जा सके, उसे रिप्रेजेंट किया जा सके, तो ऐसा लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होता है एलिजी का। एंड एलिजी मे बी बेस्ड ऑन ईदर द ट्रांजियंस ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन और द अट्रैक्टिवनेस एंड मैग्निफिसेंस ऑफ समबडी क्लोज टू द स्पीकर्स हार्ट। इसमें वही बात बताई गई है कि एलिजी है जो उसमें किसी डिजीज्ड पर्सन की रिमार्केबल क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया होता है, खास करके उसके सेकेंड जो सेकेंड पार्ट होता है पोएम का उसमें। इसके बाद बताया गया है कि एन एलिजी मे सर्च आंसर्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द बॉडी और इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। हाँ, इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ एलिजीज़ में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सिर्फ मोर्निंग का या लैमेंटिंग का नहीं होता है, कभी कभी इसमें कॉन्टम्प्लेट भी किया जाता है लाइफ और डेथ जैसी विचारधाराओं के बारे में, और जस्टिफाई किया जाता है लास्ट में उन्हें एज अ नेचर ऑफ लॉ की तरह, कि जैसे लाइफ एक सत्य है वैसे ही डेथ भी एक सत्य है। Sometimes an elegy also expresses the speaker's resentment or rage about a loss or demise. हाँ, कुछ एलिजीज ऐसी भी होती हैं जिसमें जब जो डिजीज पर्सन है उससे बिछड़ने का जो दुख है, वो शोक जो है वो इतना ज़्यादा होता है स्पीकर को कि उसकी एलिजीज में एक गुस्सा और एक रेज और एक रिजेंटमेंट दिखता है कि वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता है कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा जो जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जो उस पोएम का सब्जेक्ट मैटर है, और वो एलिजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से और रेज से भरी होती है। इसके अलावा
द लास्ट और द थर्ड स्टेज ऑफ द एलिजी इज अबाउट इट्स कंसोलिडेशन. दिस एलिमेंट मे बी मोर रिलीजियस. इसका भी मतलब वही है कि जो उसका लास्ट पार्ट होता है उसमें कंसोलिडेशन होता है, यानी जस्टिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ लॉ होता है. और इस तरह से ये एलिजी फिर लास्ट में जाकर रिलीजियस हो जाती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए ये मॉरल भी हो जाती है. इसमें वो गुस्सा और रिजेंटमेंट नहीं दिखता है, जैसे कुछ अन्य एलिजीज में दिखता भी है. इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज पर्सनल, इम्पर्सनल और पेस्टोरल. अभी हम इसके प्रकार के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि हाँ ये पर्सनल भी हो सकती है, यानी किसी पर्सनल लॉस के बारे में भी पोएट बात कर सकता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स या लव्ड वन या फ्रेंड का की डेथ के बारे में. इम्पर्सनल भी हो सकती है क्योंकि पोएट किसी पब्लिक फिगर के बारे में भी बात कर सकता है, जैसे थायरिसिस में की गई है. तो और इसके अलावा एक और टाइप होता है एलिजी का, जिसको कि हम पेस्टोरल एलिजी कहते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिजी के बारे में. सबसे पहला तो टाइप है सिंपल एलिजी. सिंपल एलिजी क्या होती है? पोएट इज लेमेंटिंग ऑन अ पर्सनल लॉस सच एज डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड और बिलवड. द पोएट रिमेंबर्स द पर्सन और थिंग दैट इज लॉस्ट इन द बिगिनिंग स्टैंजास एंड मोर्न्स विद अटमोस्ट पेन. द सॉरो इज फॉलोड बाय द पोएट्स एडमायरेशन ऑफ द डिजीज पर्सन, मेंशनिंग हिज रिमार्केबल और मेमोरेबल क्वालिटीज एंड परफॉर्मेंसेस और एक्टिविटीज़. ये बिल्कुल जो सिंपल एलिजी है वो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एलिजीज की उसके अंदर सभी विशेषताएं होती हैं. जो जो विशेषताएं हमने एक एलिजी की पढ़ी हैं, एक सिंपल एलिजी में वो सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, कि उसमें किसी डिजीज पर्सन के लॉस के बारे में मौन किया जाता है और अंत में जो है नेचर ऑफ सॉरी अंत में जो है उस डिजीज पर्सन की मेमोरेबल क्वालिटीज़ को बताया जाता है. इसकी जो टोन होती है वो सैडिस्टिक होती है. ये एक लिरिक पोएम होती है और इसका जो लैंग्वेज और स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी फॉर्मल और सेरेमोनियल होता है. तो सिंपल एलिजी में ऐसा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं है जिसकी हम अलग से चर्चा करें. सिंपल एलिजी में वे सभी विशेषताएँ हैं एलिजी की जो एक एलिजी की डेफिनेशन में आती. अब हम बात करेंगे पेस्टोरल एलिजी की. द एलिजी वॉज पॉपुलराइज्ड एज अ सब ग्रुप ऑफ पेस्टोरल पोइट्री बाय थियोक्रिटस इन हिज वर्क एंटाइटल्ड आइडल्स या इडल्स. ये जो पेस्टोरल एलिजी है इसके भी इंट्रोड्यूस होने से पहले एक फॉर्म था पोइट्री का जो अभी भी चल रहा है, उसका नाम है पेस्टोरल पोइट्री. तो एज अ सब टाइप ऑफ पेस्टोरल पोइट्री पेस्टोरल एलिजीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया. और इन्हें इंट्रोड्यूस किया किसने? थियोक्रिटस ने अपने वर्क इडल्स में. अब ये पेस्टोरल एलिजी होती क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एलिजी द पोएट एंड द सब्जेक्ट मैटर बोथ आर रिप्रेजेंटेड एज शेफर्ड्स इन एन आइडियलाइज पेस्टोरल बैकग्राउंड. इस प्रकार की एलिजीज में सबसे प्रमुख बात ये है कि जो पोएट होता है और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी जिस डिजीज्ड व्यक्ति के बारे में पोएट बात कर रहा है, उन दोनों को ही एज शेफर्ड्स रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों के ही शेफर्ड्स के रूप में, चरवाहों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है इन एन आइडियलाइज्ड पेस्टोरल बैकग्राउंड. और जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल पारंपरिक, बिल्कुल आइडियलाइज्ड, बिल्कुल ट्रेडिशनल एक पेस्टोरल बैकग्राउंड होता है, जिसमें कि चरवाहे जो है अपने भेड़ों को चरा रहे हैं और पहाड़ हैं और सुंदर सीनरी है, खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसा बिल्कुल बैकग्राउंड होता है. इट यूजुअली कंटेन्स अ फ्यूनरल प्रोसेशन, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपथेटिक मोर्निंग एंड म्यूजिंग्स ऑफ अनकाइंडनेस ऑफ डेथ. इसमें क्या होता है? इसमें भी बिल्कुल वैसे ही एक सिंपल एलिजी की तरह ही सब्जेक्ट मैटर होता है कि फ्यूनरल प्रोसेशन के बारे में होता है, या फिर सिंपथेटिक मोर्निंग होती है, सिंपथी रखी जाती है डिजीज्ड व्यक्ति के साथ और उसके उसके मृत्यु के प्रति शोक व्यक्त किया जाता है. एंड म्यूजिंग्स ऑफ अनकाइंडनेस ऑफ डेथ. और किस पर कंटेम्पलेट किया जाता है? कि डेथ कितनी अनकाइंड है, डेथ जो है वो कितनी निर्दय है, कि कैसे किसी व्यक्ति को हमसे छीन लेती है. द सब टाइप फॉलोज अ फॉर्मल पैटर्न और स्ट्रक्चर. ये सब टाइप भी बिल्कुल सिंपल एलिजी की तरह एक फॉर्मल पैटर्न को और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तो हमने ये एलिजी की ही विशेषता में शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि एलिजीज का जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल फॉर्मल और सेरेमोनियल होता है.
तो इसके दोनों ही टाइप्स में ये जो विशेषता है वो शामिल है. दीज टाइप ऑफ एलिजीज एंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ डेथ एज अ नेचुरल प्रोसेस. इस प्रकार की एलिजीज की खास विशेषता ये होती है कि ये अंत में अपने कंक्लूडिंग स्टैंजाज में डेथ को एज लॉ ऑफ नेचर एक्सेप्ट करते हैं और डेथ को जस्टिफाई करते हैं इस तरीके से, और दे मेक पीस विद इट, कि फिर उसमें ये समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है. जैसे लाइफ है वैसे ही डेथ है. तो ये बात, ये जो पॉइंट है, ये पेस्टोरल एलिजी की ही विशेषता है. अब हम बात करेंगे कि एलिजीज़ के कौन कौन से फेमस एग्जांपल्स हैं. वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर जो कुछ अभी हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो ये हैं कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया लाइसिडास एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एलिजी है पेस्टोरल फॉर्म की, और ये लिखी गई थी एडवर्ड किंग की डेथ के उपलक्ष्य में. और एडवर्ड किंग कौन थे? मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे. तो लाइसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है. इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरिसिस, जो कि आर्थर ह्यूज क्लॉक की डेथ पर लिखी गई थी, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है. इसके अलावा पी बी शेली की एडोनस जो है, जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी, ये भी एक पेस्टोरल एलिजी है. इससे पहले मैंने बताया था कि अर्नोल्ड की जो थायरिसिस है वो एक इम्पर्सनल एलिजी है, पर सॉरी ये नहीं, एडोनस बल्कि एक इम्पर्सनल एलिजी है क्योंकि कीट्स और शेली का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं था. एक सेलिब्रेटेड और रिनाउंड पोएट की डेथ के ओकेजन पर उन्होंने लिखी थी ये एलिजी, इस वजह से एडोनस एक इम्पर्सनल एलिजी है. तो इस प्रकार हमारा एलिजी एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री पूरा हुआ. अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री की.